राधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी चंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे
जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौराय जय गौर निताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में श्री राधाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष पर आयोजित किए जाने वाले इस कृष्ण कथा की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब कृष्ण भावना भावित अवस्था में अपनी भक्ति को आगे बढ़ाए जा रहे हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक है। हम श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 47वें अध्याय तक पहुँचे हुए हैं और इस अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीत, भौंरे का गीत। हम कल पहुँचे थे श्लोक संख्या 11 पर। उद्धव जी पहुँच चुके हैं वृंदावन। नंद महाराज और माता यशोदा के साथ रात भर चर्चा करने के बाद अब वो वृंदावन के गोपियों से मिले। गोपियों ने उनका स्वागत किया, उचित रीति से उनका सम्मान किया और फिर उनसे कई बातें कहीं। तो उन्होंने दीपक न्याय का प्रयोग करके अपने बातों को साबित करने का प्रयास किया कि कैसे इस संसार में जो मैत्री है, मित्रता है, ये सच नहीं है, ये केवल एक बड़ा धोखा है। और ऐसे ही धोखेबाज श्री कृष्ण निकले, वो हमें छोड़ के अब चले गए हैं, दूसरों के पास चले गए हैं। तो ऐसे एक भाव विभोर अवस्था में, प्रेमावेश में गोपियां बात कर रही हैं। 11वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इसका उच्चारण, इसका पठन हम कल कर चुके हैं, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। तो एक गोपी थी, नाम गोपी का नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, उन्होंने एक भंवरे को देखा, मधुकर। भंवरे को मधुकर भी कहते हैं क्योंकि ये जगह जगह जाके मधु या शहद इकट्ठा करता है। ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, तो वो गोपी ध्यान कर रही थी। किसका ध्यान कर रही थी? जो पूर्व सानिध्य श्री कृष्ण का प्राप्त हुआ था इस गोपी को, इसके ऊपर ध्यान कर रही थी। और वो सोचने लगी कि ये जो भंवरा है, जो भी यहाँ पर उसके पास घूम रहा है, मंडरा रहा है, ये अवश्य कृष्ण का दूत है। और इस भंवरे को कृष्ण दूत मानकर अब वो बात करने लगी। अब ये काचित ये कौन सी गोपी है? तो श्रील जीव गोस्वामी और अन्य आचार्यों ने यहाँ पुष्टि की है उनके तात्पर्यों में, उनकी टीकाओं में, कि ये गोपी वास्तव में श्रीमती राधा रानी है, जो कि सर्वश्रेष्ठ गोपिका है ब्रज में। और उन्होंने अग्नि पुराण आदि से प्रमाण सामने रखे हैं कि वास्तव में ये काचित कोई विशेष गोपी, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी है। और यही वो श्रीमती राधा रानी है जो कि अन्य व्रजवासियों द्वारा पूजित है और उनके राधा रानी के सखियों के बीच में श्रीमती राधा रानी बोल उठी और उनके जो शब्द थे वो पूर्ण वैदिक या दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया वैदिक सिद्धांतों के अनुसार।
वैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। वेदों के द्वारा मैं जाना जा सकता हूँ। वेदों का उद्देश्य है कि वेद पठन करने वाला व्यक्ति मुझे जान ले। तो भगवान श्री कृष्ण को जानने का सबसे आसान, सबसे सुलभ और सबसे अच्छा तरीका है, मार्ग है, उनकी भक्ति करना। और सबसे श्रेष्ठ उनकी जो भक्त हैं वह है श्रीमती राधा रानी। इसलिए जो भी कुछ श्रीमती राधा रानी कहती हैं, जो भी कुछ वह करती हैं, जो भी कुछ वह सोचती हैं, वो निश्चित ही वेदों के सिद्धांतों के अनुसार ही होगा, बल्कि वेदांत होगा। ये वेदों का अंत, जो अंतिम निष्कर्ष है वेदों के सबसे ऊंचे, तो वो श्रीमती राधा रानी के चरित्र में, उनके बातों में, उनके व्यवहार आदि में पाया जा सकता है। और फिर श्रील जीव गोस्वामी इसी संदर्भ में नरसिंह तापनी उपनिषद में से एक श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि यम सर्वे देवान मंति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। यम मतलब जो भी, सर्वे सर्वे देवा नमन्ति, तो जो भी मुमुक्षवः ब्रह्मवादिनः, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, और साथ साथ सर्वे देवा, जितने भी देवगण हैं, वो सब क्या करते हैं, वो नमन्ति, नमन करते हैं। किनको नमन करते हैं? श्री कृष्ण को। तो ऐसे श्री कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी। अब यहाँ से इसके बाद शुरू होगा भ्रमर गीत। श्लोक संख्या 12 से लेकर 21 तक, तो ये कुल मिलाकर 10 हो जाते हैं। तो इस तरह से, या इन 10 श्लोकों में ये भ्रमर गीत पाया जाता है। तो भ्रमर गीत ये बहुत प्रसिद्ध गीत है। वैसे भक्ति शास्त्रों में तरह तरह के गीत पाए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध गीत तो भगवद गीता है। भगवद गीता के साथ अनुगीता है। अनुगीता भी ये महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में पाया जाता है। और भगवद गीता के साथ में अनुगीता, मतलब पीछे पीछे जाने वाला। रामायण के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने लव और कुश को ये रामायण कथा सुनाई। उन्होंने जब रचना की, उस समय तो कागज कलम आदि नहीं हुआ करते थे, तो लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती थी, इतनी तीव्र होती थी, स्मृति शक्ति भी इतनी प्रबल होती थी कि न केवल वो ऐसे सुंदर रचनाएं कर सकते थे, परंतु उनको याद भी रख सकते थे। तो वाल्मीकि जी ने इस गीत की रचना की, जिसका नाम था रामायण, और फिर लव और कुश को उन्होंने ये सिखाया, और लव कुश ने इस रामायण की कथा को कंठस्थ कर लिया। तो ये भी एक गीत है। जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है। वैसे बहुत सारे गीत हैं वैदिक शास्त्रों में, और विशेष करके श्रीमद् भागवत तो गीतों का शास्त्र है। कितने सारे गीत श्रीमद् भागवत में पाए जाते हैं, जैसे कि चौथे स्कंध में रुद्र गीत है, जो भगवान शिव ने प्रचेताओं को सुनाया था। फिर प्रचेताओं ने भी उसी गीत का पठन करके, उसका गान करके भगवान की प्राप्ति की। फिर भागवत के 12वें स्कंद में भूमि गीता है, जो भूमि देवी ने प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, उनके चरणों में प्रार्थना की। फिर श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ही उद्धव गीता है, 7वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक 11वें स्कंद में।
और जो कि श्री कृष्ण ने कही उद्धव जी से। और इस उद्धव गीता के भीतर भी कई ऐसे गीत हैं, जैसे कि पिंगला गीत जो कि 8वें अध्याय में है, और फिर भिक्षु गीत इसको अवंती ब्राह्मण का गीत है जो कि 20वें अध्याय में है, और आयल गीत जो कि महाराज पुरुरव के संबंध में है 26वें अध्याय में। तो ऐसे कई गीत हैं, और इन तीन गीतों को जो उद्धव गीता में पाए जाते हैं इनको विरक्ति प्रधान गीत कहते हैं, क्योंकि इनमें विरक्ति की भावना, त्याग की भावना की प्रधानता पाई जाती है। और फिर आगे चल के 11वें स्कंध में ही जायंतेय गीता है, या निमि जायंतेय संवाद, महाराज निमि और महाराज ऋषभदेव के जो 10 पुत्र थे नव योगेंद्र, उनके बीच जो संवाद हुआ उसको जायंतेय गीत कहते हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंधों में ऐसे विभिन्न गीत पाए जाते हैं, परंतु दशम स्कंध में सबसे अधिक हैं। अंतिम अध्याय में, अध्याय संख्या 90, इसमें श्री कृष्ण महिषी गीत पाया जाता है, जो द्वारका की पटरानियों ने, महिषियों ने कहा था श्री कृष्ण का स्मरण करके। परंतु सबसे विशेष, सबसे मधुर, उत्कृष्ट श्रेणी के जो प्रार्थनाएं हैं, जो गीत हैं, जो व्रज भाव से पूर्ण हैं, वो वृंदावन के संबंध में हैं। और वैसे पांच सबसे प्रसिद्ध ऐसे गीत है जिसको गीत पंचकम है बतलाया जाता है। तो वृंदावन के भक्तों में ये गीत पंचकम बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने अवश्य वेणु गीत का नाम सुना होगा, दशम स्कंद के 21वें अध्याय में है। इस वेणु गीत में गोपियां तो कह रही हैं, परंतु श्री कृष्ण के बांसुरी का गुणगान कर रही हैं। श्री कृष्ण के बांसुरी वदन का प्रभाव क्या होता है गोपियों के ऊपर, गोपों के ऊपर, व्रज के गायों के ऊपर, अन्य पशुओं के ऊपर, पंछियों के ऊपर, देवलोक के निवासियों के ऊपर, अप्सराओं के ऊपर, बादलों के ऊपर, यमुना नदी और अन्य जलाशयों के ऊपर। तो वेणु का प्रभाव क्या होता है ये वो बतलाते हैं, गोपियां बतलाती हैं 21वें अध्याय में। तो इसको वेणु गीत कहते हैं। और दूसरा प्रणय गीत है ये 29वें अध्याय में, जब कृष्ण और गोपियां रासलीला के लिए मिलते हैं। और फिर है गोपी गीत, आप सबने गोपी गीत तो बहुत बार सुना है और गाया भी है, और विशेष रूप से ये शरद ऋतु का आभूषण है वृंदावन में। इसका भक्त गोपी गीत अक्सर गाया करते हैं। 31वें अध्याय में है ये, जब और उनको थोड़ा घमंड होता है कि अरे श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की, हम कितने विशेष हैं। तो जब भी हृदय के भीतर थोड़ा भी एक अहम भाव रहता है या एक अभिमान रहता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। तो गोपियों के इस अभिमान को जानकर श्री कृष्ण वहाँ से अदृश्य हो गए। तो उनको ढूंढते ढूंढते गोपियाँ भ्रमण कर रही थीं, तो उन्होंने ये गोपी गीत, और फिर युगल गीत है जिसको गोपिका युगल गीत भी कहते हैं, ये 35वें अध्याय में है। जब श्री कृष्ण गायों को वन में भ्रमण करते हैं तो उस समय व्रज में स्थित गोपियाँ इस गीत को गाती हैं, युगल गीत। और फिर अंततः ये श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में जिसका नाम है भ्रमर गीत, ये भी बहुत प्रसिद्ध गीत है, 47वें अध्याय के
12वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक में है। और एक गीत है जो कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो है 49वें अध्याय में दशम स्कंद के, जिसको विरह गीत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो ब्रजवासियों ने इस तरह का एक विरह गीत गाया था। तो खैर, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, उनमें से वृंदावन से संबंधित जितने भी गीत हैं वो वैष्णवों के समाज में सबसे मधुर माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो अब ये है गीत पंचकम का अंतिम गीत, जो भ्रमर गीत है। भ्रमर अर्थात भौरा। तो इस यहाँ से शुरू होकर 12वें से 21वें श्लोक तक श्रीमती राधा रानी अब बात करने वाली हैं, और वो कह रही है अपने विभिन्न जो भाव हैं उनको प्रकट कर रही हैं। हर श्लोक में एक अलग भाव व्यक्त करती हैं वो, और उस भाव के अनुसार वो बात करती हैं। तो जिस प्रकार से उनकी उक्ति है या उनकी उनकी बातें हैं, वो एक श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि नाम के ग्रंथ में विश्लेषण किया है, और उन्होंने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। वैसे ये विषय बहुत ऊंचे हैं, और मैं संक्षेप में ही उनका इनका उल्लेख करूंगा। परंतु जहाँ पे ऐसी कोई बातें आती हैं जहाँ हम सब के लिए बहुत उचित है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो मैं उनके बारे में थोड़ा कुछ अधिक कहने का प्रयास करूँगा, अन्यथा हम थोड़े तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का जो जल्प है, जल्प अर्थात बात करने का एक ढंग के वचन भाषा, तो श्रीमती राधा रानी इस तरह से विभिन्न चित्र जल्प कहते हैं। चित्र मतलब विभिन्नता। तो चित्र जल्प अर्थात विभिन्न प्रकार के जल्प या बात करने के ढंग इन 10 श्लोकों में दिखाई पड़ते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने इन 10 प्रकार के बोलने की पद्धतियों को और भावों को नाम दिए हैं, इन 10 प्रकार के चित्र जल्पों को। तो हर एक श्लोक में एक एक प्रकार। तो पहला है जो प्रजल्प कहते हैं। हम तो वैष्णवों के समाज में प्रजल्प को ऐसे एक साधारण अर्थ लेते हैं कि जो कृष्ण कथा नहीं है, जो व्यर्थ की बातें हैं, उसको हम प्रजल्प कहते हैं। तो एक साधारण अर्थ इसका यही ठीक है, परंतु एक विशेष अर्थ भी है। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के कार्य अकुशलता की निंदा करते हैं और एक असम्मान की दृष्टि से, मतलब उस भाव से व्यक्त करती हैं, और ईर्ष्या और घमंड के भाव से उत्पन्न होने वाले ऐसे वचनों को ये प्रजल्प कहते हैं। ये बहुत विशेष अर्थ है प्रजल्प का। हम लोग जो साधारणतः प्रजल्प कहते हैं वो एक सामान्य अर्थ है, ये विशेष अर्थ है। तो वो संबोधन करती हैं उस भौरे की। ये उनकी कल्पना है, वो ऐसे सोच रही हैं कि ये भौरा जो है ये कृष्ण का एक दूत बन के आया है, मुझे कुछ संदेश देने आया है, तो मैं अभी ऐसे कुछ श्री कृष्ण के बारे में कहना चाहती हूँ इस दूत से। तो फिर इस 12वें अध्याय में या 12वें श्लोक में वो कहते हैं, गोप्य उवाच। गोपी कह रही हैं। कौन सी गोपी? श्रीमती राधा रानी कह रही हैं। इसलिए मैंने कहा था कि राधाष्टमी के उत्सव पर ऐसे दैव से यही प्रसंग आ गया, तो इसलिए इसी की चर्चा हम आज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मधुपा, क्या संबोधन था उस भंवरे के लिए? मधुपा।
प मतलब पीना, जो पीने वाला होता है उसको प प कह के शब्द का अंत होता है। जैसे वृक्ष को कभी कभी पादप कहते हैं, क्यों? क्योंकि अपने पैरों से पाद अर्थात अपने जड़ों से वो जमीन के भीतर जो पानी है वो पी लेता है, तो पादप वृक्ष को पादप कहते हैं। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी इस भंवरे को मधुप कहती हैं, क्योंकि ये मधु का पान करता है, वो फूलों के बीच में मंडराता रहता है ये भंवरा, और हर एक फूल में जाके जो वहाँ कुछ रस है, कुछ केसर है, उसका पान करता है और उसके स्वाद का आनंद लेता है। तो ये फूलों का जो रस है या केसर है, इसको मकरंद कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो भंवरा है जो फूलों के जो मकरंद का स्वाद लेता है, इसलिए उसका नाम है मधुप। तो अभी मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ ये मधु शब्द के बारे में। वैसे संस्कृत में शब्दों के नाना अर्थ होते हैं और मधु शब्द के भी अनेक अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। उनमें से केवल थोड़े अर्थों को मैं कहूँगा। अब सबसे जो सर्वविदित एक अर्थ है मधु का, वो है शहद, हनी। तो इसलिए तो भंवरे को मधुकर भी कहते हैं। पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने भंवरे को मधुकर कहा था। तो मधुकर शब्द का अर्थ है एक भंवरा जो जगह जगह जाके फूलों के पास जाके वो मकरंद का स्वाद लेता है। वैसे श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में शायद अवंति ब्राह्मण के गीत में होगा, तो उस गीत में उसमें अवंति ब्राह्मण कहते हैं कि दो प्रकार के भंवरे होते हैं, दो प्रकार के मधुमक्खियां होती हैं। एक को कहते हैं मक्षिका और दूसरे को कहते हैं भ्रमर। तो मक्षिका वो मधुमक्खी है जो कि अपनी छत्ते में ही रह के वो शहद से बहुत आसक्त हो जाती है और उसका संहार करती, संहार नहीं, उसका संचित करती है, उसको इकट्ठा करती है, उसका करते करते उसको इकट्ठा करके बहुत आसक्त हो जाती है उस मधु से। तो यह है मक्षिका। तो उसी प्रकार से संसार में जो लोग केवल वस्तुओं का और धनार्जन करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा कर वस्तुओं का संग्रह करते रहते हैं और इन चीज़ों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये आसक्ति उनको भौतिक जगत में पुनः खींच के ले आती है। तो ऐसे लोग जो बहुत आसक्त होते हैं वो मक्षिका की तरह होते हैं। और दूसरी बात, जो भ्रमर वो मधुमक्खी होता है जो कि भ्रमण करता है एक फूल से लेकर दूसरे, दूसरे से लेकर तीसरे, जगह जगह जाकर उनसे जो उनका जो अमृत होता है, फूलों का रस या केसर होता है, जो मकरंद होता है, उसका स्वाद लेता है। तो उसी तरह से जो भिक्षुक होते हैं, जो माधुकरी करते हैं, आज भी ब्रज में इसको माधुकरी कहते हैं, जो घर घर से जाके थोड़ी भिक्षा ले लेना, किसी एक घर से ज़्यादा नहीं लेना और ख़ुद अपने लिए बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज़ें नहीं बनाना, परंतु हर एक घर में जाके थोड़ा 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 लेना। तो भंवरों के पीछे, भ्रमरों के पीछे मधुकर, इनके पीछे ऐसे वैरागियों का नाम, ये जो कार्य है भोजन ग्रहण करने का, उसको माधुकरी कहते हैं। तो आज भी ब्रज में ऐसे बहुत बाबा जी मिलते हैं जो जगह जगह जाते हैं। इसका कारण ये है कि कहीं हम किसी एक स्थान में आसक्त ना हो जाएं, और दूसरी बात कि जो गृहस्थ हैं उनको भिक्षा देनी पड़ती है अनेक ऐसे वैरागियों को,
तो कहीं ऐसा ना हो कि बेचारे जो गरीब हैं, ज़्यादा धनी नहीं होते हैं, फिर भी वो अतिथियों का स्वागत ऐसे करते रहते हैं, तो इनको कोई कठिनाई ना हो कि बहुत सारे लोग उनके पास भिक्षा के लिए आ जाएं, तो स्वयं उनके लिए कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, आधी रोटी ले लेते हैं, एक रोटी लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी ले लेते हैं या थोड़ा दूध ले लेते हैं। तो इसको माधु करी कहते हैं। तो ये अर्थ है, तो ये दो प्रकार के जो मधुमक्खियाँ हैं, मक्षिका और भ्रमर, तो यहाँ चर्चा हो रही है भ्रमर की, इसलिए इस अध्याय का शीर्षक भी है भ्रमर गीत। तो मधु शब्द का अर्थ, पहला अर्थ जो मैंने बताया वो है शहद, और कभी जो मादक द्रव्य होता है उसे भी मधु कहते हैं। जैसे कोई शराब पीने जाता है ना, शराब के अड्डों कभी कभी मधुशाला कहते हैं। तो इस तरह के मधु से हम लोगों को भक्त होने के नाते कोई रुचि नहीं है। संसार के लोग भले इसको अमृत माने, परंतु अंततः ये विष ही साबित होता है। और जो फूलों का रस, जो मकरंद है, मकरंद को भी कभी कभी मधु कहा जाता है। कभी कभी वसंत ऋतु को भी मधु कहा जाता है। और मधु के अनेक अन्य अर्थ होते हैं, जैसे जो भी चीज़ बहुत मधुर हो या मीठा हो या बहुत ही स्वादिष्ट हो, बहुत रमणीय हो, बहुत ही मनोरम हो, आनंदप्रद हो, उनको भी हम मधु कहते हैं। साथ साथ एक असुर का नाम भी है मधु, जिसका वध भगवान विष्णु ने किया, इसलिए उनका नाम बन जाता है मधुसूदन। अब देखिए, मधु इसके पीछे एक मधुरता है ना, तो मीठा, मिठास है। तो कृष्ण का नाम भी माधव है। ये माधव शब्द मधु से संबंधित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो मधुरता है वो भी वसंत ऋतु के समान है, क्योंकि वसंत ऋतु भी बहुत मधुर है। तो श्री कृष्ण भी वसंत ऋतु के समान मधुर है, इसलिए उनका नाम माधव है। और साथ साथ श्री कृष्ण भी शहद या मधु के समान मीठे हैं। अधरम मधुरम, ये गीत हम गा चुके हैं, हम जन्माष्टमी के पहले गा रहे थे कि मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो मधुर आधिपति, मथुरा के पति हैं और हर मधुर वस्तु के भी वो पति हैं। उनके संबंध में जो भी कुछ है वो मधुरी मधुर है, तो इसलिए उनका नाम माधव है। तो ये माधव शब्द का के भी अनेक अर्थ हैं, और परंतु ये जो अर्थ मैंने बताए वो मधु शब्द से संबंधित हैं, कि वो वसंत ऋतु की मधुरता के समान मधुर हैं, वो शहद की मधुरता के समान मधुर हैं, इसलिए इनका नाम माधव है। माधव शब्द का जो सामान्य अर्थ ये भी है कि जो माधव, जो लक्ष्मी देवी के पति हैं, तो अक्सर ये अर्थ प्रचलित है। इस शब्द का अर्थ अधिकतर लोग जानते हैं कि ये लक्ष्मीपति हैं। कभी कभी माधव शब्द का तात्पर्य यह भी होता है कि जो मधु वंश में आते हैं। तो खैर, वो मधुपति शब्द भी बाद में आएगा, परंतु मधु नाम का जो असुर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाद में चल के श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को मधुपति कह के संबोधित कर रही हैं। तो श्री कृष्ण का नाम मधुपति इसलिए है कि वो मधुवंश के पति हैं। यदुवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था मधु। बहुत सारे राजा हुए हैं, यदु स्वयं थे, तो इसलिए उनके वंश का नाम है यदुवंश। और श्री कृष्ण का एक नाम है यदुपति या यादवपति, तो
तो उसी तरह से यदु महाराज के वंश में मधु नाम के भी एक राजा आए जो बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए श्री कृष्ण को मधुपति भी कहते हैं। जैसे श्री रामचंद्र को रघुपति कहते हैं क्योंकि वो राजा रघु, महाराज रघु के वंश में आए, तो मधुपति। अब ये मधुपति, ये मधु कौन थे वास्तव में? ये आप जानते हैं कि व्रजमंडल में एक वन है जिसका नाम है मधुवन। ये ऐसे बताया जाता है कि वहाँ पर मधु, यही मधु जो यदुवंशी राजा थे जिनके पीछे कृष्ण का नाम पड़ा मधुपति, उस स्थान का नाम था मधुवन, तो वो वहाँ राज किया करते थे। तो इसलिए वो स्थान का नाम बन गया मधुवन। और साथ साथ बाद में ये सत्ययुग की बात हुई, सत्ययुग में ही उसी स्थान में ध्रुव महाराज ने तपस्या की और वहाँ भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वो टीला अभी तक है जहाँ पर ध्रुव ने तपस्या की थी, उसको ध्रुव टीला कहते हैं। और फिर त्रेता युग में भगवान स्वयं वहाँ पर आए पुनः मधुवन में शत्रुघ्न के रूप में, जो श्री रामचंद्र के, अयोध्या के रामचंद्र के छोटे भाई थे। जब श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया लंका में और वो लौट के आए और राम राज्य प्रारंभ हुआ, तो प्राय सारे असुरों का वध हो चुका था। विरलहे दुर्लभ कहीं यहाँ वहाँ कोई असुर मिलते थे। तो यहाँ पर मधुवन में एक असुर था जिसका नाम था लवणासुर। तो लवणासुर मधु राक्षस का पुत्र था। अब ये मधु राक्षस का वध भगवान विष्णु ने सत्ययुग में किया था इसी स्थान पे, इसलिए भगवान का नाम बन गया मधुसूदन। सूदन मतलब जो नष्ट करने वाले हैं। तो मधु नाम के राक्षस का या असुर का वध किया भगवान ने, इसलिए उनका नाम हुआ मधुसूदन। जैसे श्री कृष्ण का नाम अरिसूदन भी है, अरि अर्थात शत्रु, शत्रुओं का विनाश करने वाले। या तो फिर विभावरी शेष में हम देखते कंस ने सूदन, कंस का वध करने वाले श्री कृष्ण। तो ऐसे उनका नाम पड़ा मधुसूदन क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया था जो कि उस स्थान में रहता था। ये सत्ययुग में हुआ। परंतु ये मधु का एक पुत्र था लवण, और त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने शत्रुघ्न जी को भेजा तो लवणासुर का वध करने के लिए। तो फिर शत्रुघ्न ने लवणासुर का वध किया और फिर वहाँ पर उस मधुवन में, वहाँ पे उन्होंने मथुरापुरी या मथुरा शहर की स्थापना की त्रेता युग में। ऐसे हरिवंश में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया है और श्रीमद् भागवत में भी। तो जो भी मैंने आपसे कहा अभी इन तीन ग्रंथों में, ये तीन ग्रंथों में बताया हुआ है। वैसे मधुवन में ही फिर द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण आए। वहाँ तो भ्रमण करते थे, गायों को लेकर जाते थे कृष्ण, और फिर कलयुग में वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए मधुवन में। इस तरह से मधुवन में चारों युगों में भगवान वहाँ पर आए थे। तो खैर ये है मधु, मधुवन, मधुपति इत्यादि का तात्पर्य। तो ये सारे भगवान के नाम है, मधुसूदन, मधुपति, माधव, मधु, कभी कभी मधु भी कहते हैं श्री कृष्ण को। तो ऐसे ये नाम हैं। तो श्रीमती राधा रानी तो भली भांति जानती हैं कि श्री कृष्ण के कितने मधुर गुण हैं, इसलिए वो यहाँ मधुपति शब्द का प्रयोग करती हैं। वैसे कुंती महारानी की स्तुति जो है उसमें भी कुंती महारानी ये मधुपति शब्द का प्रयोग करती हैं, और उस जगह एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद जी मधुपति का अर्थ भी
मधु राक्षस का वध करने वाले ऐसे बताते हैं। तो खैर ये विभिन्न चीज़ें हैं, मधुपति मधुसूदन आदि इसके संदर्भ में। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं मधुप हे कितव बंधो, तुम उस छलिए के बंधु हो। कितव अर्थात जो छलिया है, जो धोखेबाज है, बंधु, तो तुम उस छलिए के बंधु हो, उसके मित्र हो तुम। इसलिए मास्पृश अंग्रिम मतलब स्पर्श करना, अंग्रिम मतलब मेरे चरणों को। तो हे मधुप, अरे तुम तो भौरे हो लेकिन तुम कृष्ण दूत हो, मैं जानती हूँ, और तुम उस छलिए के मित्र हो, इसलिए खबरदार तुमने मेरे चरणों का स्पर्श किया तो दूर चले जाओ यहाँ से। तो ऐसे वो कह रही हैं श्रीमती राधा रानी। और जो भी तुम जैसे दूत को भेजता है उसका तो मजाक उड़ाया जाएगा। यदुवंशियों के स्वभाव ग्रह में अवश्य मजाक उड़ाया जाएगा इसका। तो इस तरह से राधा रानी इस पहले श्लोक में, भ्रमर गीत के पहले श्लोक में कहती हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, ये चित्रजल्प का पहला तरीका है जिसको प्रजल्प कहते हैं। फिर 13वां श्लोक इस अध्याय का, जो भ्रमर गीत का दूसरा श्लोक है। तो इसमें श्रीमती राधा रानी कहती हैं सुमनस इव सद्यः तत्यजे, कि तुम भी जिस प्रकार से सुमन अर्थात कुसुम, एक फूल को त्यागते हो अचानक, सद्यः वहाँ से तुमने मकरंद प्राप्त कर लिया और जैसे संतुष्ट हो गए तुरंत वहाँ से निकल पड़े, उस फूल को त्याग दिया, तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी हम सबको अचानक त्याग दिया और वो चले गए। तो उनको बड़ा, श्रीमती राधा रानी को आश्चर्य हो रहा है कि लक्ष्मी देवी किस प्रकार से उनके कृष्ण के चरण कमलों में अभी तक स्थित हैं सेवा करते हुए। वो कहती हैं परिचरति कथम तत्पाद पद्मम नु पद्मा, परिचरित मतलब सेवा कर रही हैं, कथम क्यों सेवा कर रही हैं, कौन पद्मा अर्थात लक्ष्मी देवी, नो मतलब मैं सोच रही हूं कि कथम क्यों तत्पाद पद्मम, तत् मतलब कृष्ण, उनके पाद पद्म उनके चरण कमलों की सेवा पद्मा देवी अर्थात श्रीमती लक्ष्मी देवी क्यों कर रही हैं उनकी सेवा, मैं सोच रही हूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। ऐसे श्रीमती राधा रानी कह रही हैं ही अपि बता, निश्चित ही क्या हुआ होगा, उत्तम श्लोक जल्पे ही, उत्तम श्लोक अर्थात श्री कृष्ण के जल्प उनके झूठे वचनों से अवश्य हित चेता। जो है श्री कृष्ण ने बड़े चतुराई से अपने झूठे शब्दों से लक्ष्मी देवी का चित्त हर लिया होगा, इसलिए वो अभी इस धोखे के कारण उनके चरण कमलों की सेवा अभी भी कर रही हैं। तो इस तरह की जो बोली है इसको परिजल्प कहते हैं, जिसमें नाना प्रकार के युक्तियों द्वारा व्यक्ति अपने चतुरता का प्रदर्शन करता है या करती है इस संदर्भ में। और जो श्री कृष्ण के जो क्रूरता है या द्वैतता है या अविश्वसनीयता है उसका खुलासा करती हैं। तो इस तरह की जो बातचीत होती है इसको परिजल्प कहते हैं। तो अभी हम आते हैं भ्रमर गीत के तीसरे श्लोक को, जो कि इस अध्याय का 14वां श्लोक है।
तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी कहती हैं किम इह बहु सद अंग षड अंग्रे गायसी त्वम यदु नाम। अरे षड अंग्रे, षड मतलब छः, अंग्रे मतलब पैर। हम पहले भी देख चुके हैं, कल भी देख चुके हैं, षट पदय ही मतलब छः पैरों वाला, क्योंकि भवरों के छः पैर होते हैं। तो यहाँ भी वही कह रही हैं किम, क्यों क्यों हे छः पैरों वाले भवरे, गायसी त्वम यदु नाम। तो ये यदु, यदु के जो यदु के जो पति हैं, यदु नाम अधिपतिम, यदुओं के जो पति हैं, जो यदुपति हैं, उनके बारे में तुम क्यों गीत गा रहे हो। अग्रिहाणाम अग्रतो न पुराणम, अग्रिहाणाम खास करके अग्रतः हमारे सामने आके, हम जो कि अग्रह हैं, अग्रह अर्थात हमारे कोई घर नहीं है, अनिकेत हो गए हैं हम। क्यों? क्योंकि हमने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ा, हमारा घर छोड़ लिया, परिवार छोड़ दिया, हमारे धार्मिक क्रियाओं को हमने त्याग दिया, हमने सब कुछ श्री कृष्ण के लिए त्याग दिया, इसलिए हम अग्रह हैं। तो अग्रतः है हमारे सामने आके, हम जो अग्रहाणाम, हमारे सामने आके तुम ऐसे यदुपति के गुणगान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे। किम पुराणम, ये सब पुरानी बातें हैं हमारे लिए, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इन बातों में, ये पुरानी बातें हमने बहुत सुनी हैं। आप तुम्हें ऐसे यदुपति के गीत गाने ही हैं तो तुम जाओ, वहाँ जाओ जहाँ पर विजय सखा, विजय मतलब अर्जुन, सखा मतलब मित्र, तो कृष्ण का और एक नाम है विजय सखा। तो जहाँ विजय सखा श्री कृष्ण का गुणगान करना ही है तुम्हें, तो कहाँ जाना चाहिए? तुम्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे मथुरा में और अन्य स्थानों में और बहुत महिलाएं हैं जो इनका गुणगान सुनने के लिए बहुत आतुर होती होंगी, तो उनके पास जाके यदुपति का गुणगान करो। हमारे लिए ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब मत करना हमारे लिए, ये हमारे सामने। और फिर ये जो महिलाएं हैं इष्टाह, तुम्हारी जो वांछित, तुम्हें जो चीज़ें चाहिए तुम्हें, वो दक्षिणा आदि तुम्हें मिल जाएगा, उनके पास जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार की उक्ति है या वचन है जिसको रूप गोस्वामी विजल्प कहते हैं। इसमें श्रीमती राधा रानी कटु वचन का प्रयोग कर रही हैं और सामने से ही अपने जलन, हृदय में जो जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है अन्यों के प्रति, जिनको कि श्री कृष्ण का संग मिल रहा होगा इस समय, तो ऐसी भावना से वो बात कर रही हैं। फिर अब आते हैं इस अध्याय के 15वें श्लोक में, जो कि भ्रमर गीत का चौथा श्लोक है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं दिवि भुवि च रसायाम कः स्त्रियस्तद् दुरापाः, कि चाहे वो स्वर्ग लोक में हो, धरातल पर हो, रसातल में हो, काः ऐसे कः स्त्रियः, ऐसे कौन कौन सी महिलाएं हैं जो उनके लिए अनुपलब्ध हैं। तो यहाँ तक कि चरण रज उपासते यस्या भूति ही, उनके चरण रज की उपासना, उपासते अर्थात उपासना कर रही हैं, यस्य कौन कर रही हैं, भूति ही जो लक्ष्मी देवी हैं, साक्षात लक्ष्मी देवी जब उनके चरण रजों रज की उपासना करती हैं, वयम का हम कौन हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं लक्ष्मी देवी के सामने, हम तो सब यहाँ छोटे इस वृंदावन के गांव के निवासी हैं, कहाँ लक्ष्मी देवी और कहाँ हम। तो इसलिए हमारा कोई स्थान नहीं है यहाँ पर, तो हमारा कोई भाग्य नहीं
कि श्री कृष्ण हमारे सामने आए और हमें उनका सानिध्य दें। परंतु जो इस प्रकार से दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यशाली हैं, कम से कम जो अपिच कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द है, कम से कम वो उत्तम श्लोक का नाम तो ले सकते हैं। तो ऐसे एक निराश भाव में श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं। तो इस प्रकार की उक्ति को उज्जल्प कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ऐसे बतलाते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा श्रीमती राधा रानी करती हैं। और किस भाव में बोल रही हैं, एक घमंड और ईर्ष्या के भाव से। हमें याद रखना है कि जो ऐसे ऊपरी दृष्टि से देखने पर जो एक नकारात्मक गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे ईर्ष्या, घमंड, क्रोध आदि, वो इस संसार के इन गुणों के समान नहीं हैं। इस संसार में जो वैर होता है या जो ईर्ष्या होती है, जो घमंड होता है, जो क्रोध होता है, वो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होता है और ये हमें भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखता है। परंतु श्रीमती राधारानी का स्थान कितना ऊंचा है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो श्रीमती राधारानी के दिव्य चरित्र में जब ऐसे गुण दिखाई पड़ते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, ये सब हमारी समझ के बाहर है। बस इतना हम समझ सकते हैं कि ये उच्चतम कृष्ण भावनामृत के प्राकट्य हैं बस। और फिर अब 16वें श्लोक में आते हैं, जो कि भ्रमर गीत के का 5वां श्लोक है। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, विसृज शिरसी पादम। विसृज मतलब छोड़ दो, चले जाओ। शिरसी पादम, जो तुम्हारे सर को तुमने मेरे चरणों में रखा है, तुम्हारे सर को हटा दो तुरंत। भले तुमने बहुत दक्षता पूर्वक कूटनीति उस मुकुंद से सीख ली होगी और अब तुम यहाँ दूत बन के आए हो और चापलूसी भरे शब्दों से हमें भी बहकाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु जिन्होंने उनके लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना घर, अपना परिवार, अपना धन, अपने सब कुछ त्यागा, उनके प्रति तो वो कितने अकृतज्ञ हैं। तो उनके साथ जाकर मैं क्यों बातचीत करूं अभी इस समय, मेरा क्या लेना देना है उनके साथ, मैं क्यों जाऊं उनके पास। तो इस तरह की बातें हमें यहाँ भी सुनने में आती हैं, दिखाई पड़ती हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि भौतिक जगत में ये सारे गुण और ये सारे कार्य और बात करने की पद्धतियाँ भी दिखाई पड़ती हैं, परंतु ये सब आध्यात्मिक जगत में और विशेष रूप से गोलोक वृंदावन में, और वो भी विशेष रूप से गोपियों के बीच में, गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में होने वाले जो लीलाएं हैं, उनके विकृत प्रतिबिंब है। सत्य वहां है। यहां पर जब इन्हीं चीजों को हम पाते हैं, मनुष्य समाज के भीतर जो भी संबंध होते हैं, बर्ताव होते हैं, तो बोलचाल होती है यहां पर मनुष्यों के बीच में, तो ये सब मिथ्या है। ये सब जड़ चेतना के लक्षण होते हैं। तो यहाँ इस उक्ति की पद्धति को संजल्प कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो संजल्प की विशेषता यहाँ है कि श्रीमती राधा रानी ये अपमान सूचक संकेत कर रही हैं श्री कृष्ण के अकृतज्ञता के प्रति।
इस तरह से श्रीमती राधा रानी अपनी भ्रमर गीत गा रही हैं। ऐसे साधारण अवस्था में हमें याद रखना है कि श्रीमती राधा रानी किन से बात कर रही है, उस भौरे से बात कर रही है, और उद्धव उस समय उनके सामने हैं और उद्धव देख रहे हैं बड़े आश्चर्यचकित होकर कि ये क्या कह रही है, किन से बात कर रही है। मैं सामने हूँ परंतु ये मुझसे न बात करके जैसे ही भौरे को देखा तो मुझसे ध्यान हट गया और उस भौरे को देख कर उसको कृष्ण दूत समझ कर वो न जाने क्या क्या बोले जा रही हैं। तो उद्धव की दशा हम समझ सकते हैं कि कितने आश्चर्यचकित, कितने विस्मित हो गए होंगे उस समय उद्धव जी। और उद्धव जी सोच रहे हैं कि ऐसे जो प्रेमा भक्ति के लक्षण हमने आज तक कहीं देखे नहीं हैं। यहाँ पर उद्धव जी जब आए हैं तो खास करके श्री कृष्ण ने उनको गोपियों के लिए भेजा है ताकि वो समझ लें कि इनकी भक्ति या इनके कृष्ण प्रेम का स्तर क्या है। और फिर आगे चल के उद्धव को घोषणा करनी थी, सब जगह जाके इसका प्रचार प्रसार करना था कि वृंदावन का प्रेम कितना विशेष है, कितना अतुलनीय है, कितना अद्वितीय है। तो कथा विराम यही करते हैं और कल से इस अध्याय के 17वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। तो अब हम एक गीत गाएंगे। क्षमा कीजिए, आज वो चित्र आदि नहीं हो पाए, कोई तकनीकी समस्या थी इसलिए वो हमारा कोई इसमें हम निस्सहाय हैं, क्योंकि जब तक उस कंपनी से वो जोड़ते नहीं हैं तो हम लोग आपको वो चित्र दिखा नहीं सकते। आशा करते हैं कल ठीक हो जाएगा ये सब। तो हम गाएंगे ये भजन जो आपने अवश्य सुना होगा, नहीं वृंदावन रम्य स्थान क्या था ना, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो सखी वृंदे विज्ञप्ति राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। तो अवश्य आपके पास भी, आपने ये गाया है, सुना है, तो आपके पास भी वैष्णव गीत की किताब है, उसको आप खोल के आप मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरण गति आर नहीं मो, जीवने मरण गति आर
हिमोन कालेन्दीर कूले केले कदंबे रतन वेदीरा उपार बोसाबो दुजना रतन वेदीरा उपार बोसाबो दुजना राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर श्याम गौरी अंगे दिबो चंदन रगंध चामर ढोलाबो कबे हेरि मुख चंद्र चामर ढोलाबो कबे हेरि मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर गाठिया मालतीर माला दिबो दोहार गले अदर तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले अदर तुलिया कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण युगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञायक रिब सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभुर दासिरनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुल नंद, राधा गोकुल नंद राधे, जय गौरानीताय जय, गौरानीताय जय, गौरानीताय जय, गौरानीताय जय, जगन्नाथ जय, जगन्नाथ जय, बलदेवा जय सुभद्रा, जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कल शाम 7 बजे पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।